एसएल मेडिकल कॉलेज में जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से हर रोज सर्जरी विभाग में 15 से 20 ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एसएल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का कहना है कि जिन ऑपरेशन में इमरजेंसी है वह सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रही जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से यहाँ पर जो मरीजों की संख्या में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ इस ओपीडी कॉम्प्लेक्स में जो मरीजों की संख्या फुल रहती थी वो पूरा खाली आपको जो है नज़र आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं या फिर आराम कर रहे हैं कि क्या उनको इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि जूनियर चिकित्सकों की ना होने की वजह सिर्फ सीनियर चिकित्सक ओपीडी में बैठ रहे हैं, और जिसकी वजह से मरीजों को जो है काफ़ी समस्या का समाधान करना, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, समस्या में फंसे हुए हैं। चाहे क्योंकि आप चिकित्सकों को आप देखें तो यहाँ पर भी देखें, इस कैमरे में देखें, यहाँ पर कुछ लोग अभी काम करने कुछ कर रहे हैं, दूसरे वो ये वाला चैम्बर अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ लोग जो काम कर रहे हैं जो, और इस तरह से जो देख रहे हैं ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर भी जो काम करने का जो प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई मरीज़ आएंगे तो आप देखेंगे, इस कमरे में बात करें तो एक चिकित्सक ज़रूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर सीनियर चिकित्सक जो है उपलब्ध नहीं है। पर इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में पूरा कमरा खाली पड़ा है, उसमें भी कोई जो है उप चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मरीजों को इसी डर की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, इसी वजह से ये सारा जो हॉल है ये सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ जो है और जो ओपीडी में जो सर्जरी का है यहाँ पर इसके बाहर भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर कुछ सीनियर चिकित्सक बैठे हुए हैं अंदर। और आगे बात करें तो एक और कमरा है सर्जरी का, उसमें देखेंगे क्या चिकित्सक वहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीज अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इलाज परामर्श मिल जाता तो जांचें नहीं हो रही हैं, अगर जांचें हो रही हैं तो परामर्श नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट में देखें तो कुछ चिकित्सक ज़रूर यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अर्णव बैठे हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर अर्णव जी, कैसा जो हड़ताल चली उसका क्या असर देखने को मिल रहा है, ये बताएं आप। हड़ताल का असर काफ़ी ज़्यादा है, मरीज काफ़ी कम आ रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, ऑपरेशन के लिए डेट दे रहे हैं, ऑपरेशन उनके नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जो इमरजेंसी मरीज हैं उन सबका हम इलाज कर रहे हैं, उन सबको पूरी प्रॉपर सुविधाएं दी जा रही हैं। जो इलेक्टिव ओटीज़ हैं अपनी, वो जो जैसे गॉल ब्लैडर का हो गया, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, वो फिलहाल अभी रुके हुए हैं, उसकी वजह से मरीजों को समस्या हो रही है। रूटीन में जैसे हम देखते थे 300-400 मरीज़ करीब आते थे ओपीडी में, आज वो मरीज़ आ नहीं रहे लोग? नहीं, वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को ही मालूम है हड़ताल है, तो जिसको इमरजेंसी में ज़रूरत है या जिसको वास्तव में ज़रूरत हो रही है वही आ रहा है, और उनका प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज करा जा रहा है, और इमरजेंसी सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध हैं, उसमें कोई नहीं। इवन इमरजेंसी में जो ऑपरेशन जो होने हैं वो भी हो रहे हैं, उसमें भी कोई रोक रुकावट नहीं है। ओपीडी में ऑपरेशन कराने के लिए आता है तो क्या उसको ऑपरेशन हो रहा है क्या उसका? अगर कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे अपेंडिक्स हो गया, परफोरेशन हो गया, अगर ऐसा कोई मरीज आ रहा है तो उसका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, जो इलेक्टिव ओटी है जैसे हर्निया है या फिर गॉल ब्लैडर है, तो उसके लिए डेट दी जा रही है। एक दिन में करीब कितने ऑपरेशन आपके ओटीज में होते हैं, अगर हम खाली सर्जरी की बात करें, क्योंकि आपकी अलग ओपीडी होती है और की दूसरे की अलग होती है, लगभग एक रोज़ के हिसाब से 10-12 कितने ऑपरेशन रोज़ होते हैं यहाँ पे? जनरली जो है 12 से 15 सौ 16 करीब केसेस जनरल सर्जरी के हर रोज़ होते थे, जो कि फिलहाल वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मरीजों की समस्या तो है, क्योंकि जो जूनियर चिकित्सक काफ़ी संख्या में जो हड़ताल पर हैं, और उसकी वजह से जो रूटीन में जो मरीज आते थे वो आ भी नहीं रहे, और साथ में जो ऑपरेशन के लिए जो लोग आते थे कराने के लिए, वो ऑपरेशन भी पिछले 11 दिन से बिल्कुल ठप पड़े हैं। जैसे ही हड़ताल ख़त्म होगी उसके बाद ही सारी सुविधाएँ शुरू हो पाएंगी, तभी यहाँ पर मरीजों का जो 2 से 3 हज़ार मरीज आते तभी यहाँ पर वो आ पाएंगे। अपने साथी राहुल चांद के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सीनियर डॉक्टर।